यूनोवा में एक नौसिखिए ट्रेनर से हारने के बाद एश केचम पहुंचा कैलोस सीजन। मैं यानी कि एश केचम, मैं अपने बड़ी पिकाचू के साथ कैलोस के ल्यूमिनोसिटी में पहुंचा था। मेरा फर्स्ट टारगेट था ल्यूमिनोसिटी का जिम बैच जीतना, पर मुझे क्लेमेंट नाम के लड़के से पता चला कि मैं तभी जिम बैच के लिए लड़ सकता हूँ जब मेरे पास कैलोस के 4 बैचेस हो, तभी मैं चैलेंज कर सकता हूँ उस जिम लीडर को। मेरे और उस लड़के के बीच में काफ़ी सारी बातें हुई कैलोस सीजन के बारे में। उसके साथ उसकी छोटी बहन बॉनी भी थी। तभी मैंने उस लड़के को यानी कि क्लेमेंट को एक प्रैक्टिस मैच के लिए चैलेंज किया। हमारी मैच हो ही रही थी तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आ गई। इस बार उनके पास भी एक कैलोस सीजन का पोकेमॉन था। क्लेमेंट ने मुझे बताया कि वो इनके ही था। मेरा पिकाचू पर इनके ने अटैक किया, फिर मेरा पिकाचू लड़ ही नहीं पा रहा था। अचानक से वहाँ पे एक पोकेमॉन आ गया। उस टाइम वो पोकेमॉन उतना ताकतवर तो नहीं दिख रहा था, पर उसने टीम रॉकेट को हरा दिया था। पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। बॉनी ने मुझे इसको प्रोफेसर सिकामोर के पास ले जाने के लिए कहा। हम तीनों उस पोकेमॉन को लेके सिकामोर के लैब की तरफ निकल पड़े। वहाँ सिकामोर ने हमें उस पोकेमॉन यानी कि फ्रॉकी की बैक स्टोरी के बारे में बताया। फ्रॉकी कैलोस के स्टार्टर्स में से एक था, जिसे जो भी ट्रेनर वापस लेके जाता था वो उसको सिकामोर के पास वापस कर जाता था, या फिर फ्रॉकी वहाँ से भाग जाता था। प्रोफेसर ने मुझे ये भी बताया कि पोकेमॉन की एक और इवोल्यूशन पॉसिबल है कैलोस सीजन में, जो अभी तक किसी को भी नहीं पता है। तभी वहाँ पर सिकामोर की गैरचॉम की आवाज़ आई, वो बेकाबू हो चुका था। और ये सब कुछ टीम रॉकेट का ही किरदार धरा था। मैं पिकाचू और फ्रॉकी के साथ निकल पड़ा गैरचॉम को शांत करने के लिए, और हम लोग कामयाब भी हुए। पर एक पल तो मैं और पिकाचू ल्यूमिनस टावर से गिरने ही वाले थे, पर एक अजीब से पोकेमॉन जिसे मैंने कभी नहीं देखा था उसने मुझे बचाया और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन फ्रॉकी ने मुझे चुना अपना ट्रेनर, और क्लेमेंट बॉनी ने भी मेरे साथ सफ़र करना शुरू कर दिया। अपने फर्स्ट जिम मैच में मैंने जिम लीडर वॉयला को रीमैच में एक बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजी के कारण हरा दिया। उस समय एक लड़की वहाँ पर आई, जिसका मुझे बाद में नाम पता चला कि वो सरीना थी। उसने मुझे कहा कि वो मुझे तब से जानती है जब हम लोग बहुत ही छोटे थे। प्रोफेसर ओक के समर कैंप में हम लोग मिले थे, पर मुझे प्रोफेसर ओक के समर कैंप के बारे में तो याद था, पर मुझे सरीना तो याद ही नहीं थी। ट्रैवल करते हुए हम लोग मिले निंजा बॉय शेनपाई से, जिसने मेरे फ्रॉकी को बहुत ज़्यादा हेल्प की उसके स्ट्रेंथ बढ़ाने में। फिर मैं शैलॉ सिटी के जिम लीडर यानी कि कोइना के साथ थोड़ा सा ट्रैवल किया। उसने मुझे मेगा इवोल्यूशंस एंड मेगा स्टोन्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया। मैं और मेरे सभी फ्रेंड्स ने फिर अटेंड किया प्रोफेसर सिकामोर का पोकेमॉन समर कैंप। वहीं पर हम लोग मिले थे शोना, टेन्योर और ट्रेवर से। ट्रेवर मेरा कैलोस का पहला राइवल बन चुका था, और पता नहीं क्यों शोना सरीना को हमेशा मेरे नाम से सिहारती रहती थी। समर कैंप के बाद मैंने पकड़ा एक डरा सा एक सहमा हुआ पोकेमॉन ग्रूमी, जिसको मैंने पहले स्ली गुरु फिर पावरफुल गुड्रा में इवॉल्व किया था। यहाँ तक मैंने 4 जिम बैचेस जीत लिया था। अब बारी थी अपने फ्रेंड क्लेमेंट से फाइट करने की 5th जिम बैच के लिए। गुड्रा ने मुझे एक धमाकेदार मैच में जिता दिया था। अब हम लोग फिर से उसी रास्ते पे से जा रहे थे जहाँ से मैंने गुड्रा को पकड़ा था, और वही था गुड्रा का होमलैंड। और हम लोगों ने देखा कि गुड्रा के होमलैंड पर फॉसर्स ने अटैक कर दिया था। हम लोगों ने वहाँ के सभी पोकेमॉन्स को किसी तरह से तो बचा लिया, पर मुझे अपने पावर हाउस गुड्रा को वहीं पर छोड़ना पड़ा ताकि वो वहाँ के सभी पोकेमॉन्स को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद मैं पहुंचा लेवरे सिटी जिम को चैलेंज करने के लिए। वहां पर मैं मिला अपने नए रैवल यानी कि शॉवियर से, जो बहुत ही जोशीला ट्रेनर था हॉर्नजेन से। उसी समय सरीना का कैलोस क्वीन बनने का सपना टूट चुका था। तभी मैंने सरीना को समझाया कि अगर तुम हार का सामना करोगी तभी तो एक न एक दिन तुम जीतोगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फिर हम लोग प्रोफेसर सिकामोर के साथ एनस्टियर सिटी गए, जहाँ हम लोग मिले साइकिक जिम लीडर ओलंपिया से। प्रोफेसर ने ओलंपिया को मेरे फ्रॉकी जो उस टाइम फ्रॉगेडियर बन चुका था उसके बारे में बहुत कुछ बताया, और ये भी बताया कि फ्रॉगेडियर ने मुझे कैसे चुना था अपना ट्रेनर। अब बारी थी जिम बैच की, जो मैंने जीत लिया था अपने फ्रॉगेडियर और तरुण फ्लेम को यूज़ करके। थोड़ी ही टाइम बाद हमें मिला एक मिस्टीरियस पोकेमॉन जिसका नाम किसी को भी नहीं पता था, पर बॉनी उसको स्क्विशी कहने लगी और वो स्क्विशी को हमेशा अपने पास ही रखती थी। फिर शेनपाई के होम टाउन में लड़ाई छिड़ पड़ी। उसी बीच मेरा फ्रॉगेडियर ग्रेंजा बन गया, और बॉन फेनामेना भी मैं ग्रेंजा कर सकता था, पर उस टाइम मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। टीम फ्लेयर से फाइट करते हुए मैंने जाना कि बॉन फेनामेना
क्या होता है और ग्रेंजा के साथ मैं अपना फीलिंग अपना दर्द शेयर कर पा रहा था। फिर मैं मिला एलियन से जो ग्रेंजा का बॉन्ड फिनोमेना को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ। उसने मुझे एक बैटल की रिक्वेस्ट की, मैंने और ग्रेंजा ने एक अच्छी फाइट प्रेजेंट की बट हम लोग हार गए थे। इस हार के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया अपने ग्रेंजा के साथ। फिर हम लोगों ने रीमैच किया एलियन के साथ, बैटल किया चैम्पियन डायंथा के साथ, पर ट्रेनिंग के बावजूद भी हम लोग हार गए थे और मैं ग्रेंजा एश ग्रेंजा नहीं बन पा रहा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं ग्रेंजा ऐसे पावरफुल पॉकीमोन को रख सकूं। फिर जिम लीडर वॉल्फ्रिक्स से हार के बाद तो मुझे अपने आप से विश्वास ही उठ गया था। मैं सब कुछ छोड़ के वाइंडिंग वुड्स में आ गया। फिर सईना ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद की मेरी कॉन्फिडेंस को फिर से बिल्ड करने के लिए और एक वाइट स्वैपा को बचाने में। उस टाइम मैं ग्रेंजा परफेक्टली एश ग्रेंजा बन गया था जिस कारण से हम लोगों ने वॉल्फ्रिक को भी रीमैच में काफ़ी इजीली हरा दिया था। अब हम लोगों के पास आ चुका था 8 जिम बैचेस, यानी कि अब मैं क्वालिफाई कर सकता था कैलॉस लीग यानी कि ल्यूमिनस कॉन्फ्रेंस के लिए। ल्यूमिनस सिटी आने के बाद लीग में मैंने काफ़ी सारे ट्रेनर्स को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। मेरा गुड्रा मेरे पास भी वापस आ चुका था सेमीफाइनल्स के लिए जो सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट था। उस काटेडाल मैच को जीतकर मैं पहुंच चुका था फाइनल्स में जो मेरे और एलियन के बीच में है। उस मैच के आखिरी पल तक नहीं पता चल रहा था कि कौन जीतेगा, पर एलियन का मेगा चार्जर एक्स ने मेरे एश ग्रेंजा को हरा दिया और मैं रनर अप की तरह ही फिनिश कर पाया कैलॉस लीग को। कैलॉस लीग के क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम टीम फ्लेयर ने अपना फाइनल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, यानी कि यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करना। टीम फ्लेयर का लीडर लैसेंड्रे मेगा रेंजा का बॉन्ड फेनोमेना यूज़ करके मेगा इवोल्यूशन रे को कंट्रोल करना चाहता था, पर मैंने एलियन ने मिलकर लैसेंड्रे को एक डेथ मैच में हरा दिया था। उसके बाद एलियन के चार्जर का भी मेगा इवॉल्व नहीं हो सका क्योंकि वो अब वीक हो चुका था। फिर गुड्रा को मैंने उसके होमलैंड पर छोड़ दिया। तब वहाँ पे टीम फ्लेयर का एक इवल साइंटिस्ट जेरोसिक था, पर उसको भी हम लोगों ने खदेड़ दिया। उसके बाद एक ऐसा पल आया जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता था। स्क्विशी यानी कि जायगार्ड ने मेरे ग्रेंजा को टीम फ्लेयर से बची हुई नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए उसके साथ चलने को कहा और मुझे मजबूरन अपने एश ग्रेंजा को रिलीज़ करना पड़ा। इस सैड गुडबाय के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। देन द फाइनल गुड बाय टू सरीना एंड कैलॉस रीजन।